स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा नौ की रेमिडियल वर्कबुक इंग्लिश में वर्कशीट नंबर ग्यारह इससे पहले हमने दस वर्कशीट कर ली है अगर आप नहीं देखिए तो प्ले में जाकर जरूर देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहले लर्निंग आउटकम द लर्नर आस्क क्वेश्चन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन जो लर्नर है जो सीखने वाला है वह क्वेश्चन पुटअप करेगा क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग सिचुएशंस की लर्निंग स्किल वही रीडिंग और राइटिंग क्वेश्चन हैव आंसर यस और नो बिगेन विद द हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो क्वेश्चन यस और नो से बिगेन होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब के द्वारा होते हैं टू मेक क्वेश्चन वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट अपन क्वेश्चन पूछते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वे सब्जेक्ट से पहले आती है और इफ़ देयर इज ए ओनली मेन वर्ब इन आंसर वी पुट डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट और अगर सिर्फ आंसर के अंदर मेन वर्ब है तो हम डू डज डिड सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हिंट देखते हैं फ्रेम द क्वेश्चन फॉर द गिवन स्टेटमेंट यस ही इज गोइंग टू जयपुर तो इसका क्या हो जाएगा इज ही गोइंग टू जयपुर देखिए यस आई प्ले क्रिकेट इसका क्या हो जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट अगला देखिए नो आई डिडन्ट लिव इन सिटी आई लिव इन विलेज डू यू लिव इन इज सिटी किसी प्रकार एक्सरसाइज या एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों यस आई वर्क इन ए हॉस्पिटल इसका प्रश्न क्या हो जाएगा डू यू वर्क इन ए हॉस्पिटल अगला है नो आई हैव वॉन्ट लर्न टूडे लेसन हैव यू लर्न टुडेज लेसन तीसरा है यस ही हैज ए कार प्रश्न हो जाएगा डज ही हैज ए कार चौथा यस आई हैव पासड क्लास एट इसका हो जाएगा हैव यू पास्ड क्लास एट अगला है यस yes, प्रतिमा इज ए वेरी हार्ड वर्किंग इसका हो जाएगा इज प्रतिमा इज वेरी हार्ड वर्किंग अगला आप देखते हैं छठा प्रश्न इसका प्रश्न बनेगा इज योर फादर इज ए लॉयर सातवें का प्रश्न बनेगा डू यू प्ले इन ए मॉर्निंग आठवें का प्रश्न बनेगा डज मिस्टर शर्मा टीच यू इंग्लिश नब्बे का प्रश्न बनेगा डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दसवें का प्रश्न बनेगा आर दे वेरी हेल्पफुल ग्यारहवें का प्रश्न बनेगा आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन बारहवे का बनेगा वे वेरी गुड फ्रेंड जी जी डब्ल्यू डी है बेटो तेरवा देखिए तेरहवे का प्रश्न बनेगा वॉज गोपाल ए क्लेवर मैन चौदहवे का प्रश्न बनेगा डिड सालिनी लूज हर पर्स लॉस लॉसर पर्स सॉरी लॉस है वे लूज नहीं है लॉस हर पर्स पंद्रहवे का प्रश्न बनेगा डिड द है विन द रेस Did द है विज द रेस तो बच्चों ये तो हमारा कार्यपत्रक नंबर ग्यारह रेमिडियल कार्य पुस्तिका इंग्लिश का तो जुड़े चैनल से धन्यवाद